ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि गाइस इस वीडियो में जो है थोड़ा सा आपको कलर करेक्शन एंड जो मतलब कि टी शर्ट में जो इफेक्ट डालने गाइस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गाइस आपको जब तक आप उस चीज को ध्यान से नहीं देखोगे तो आप जब उसको करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बट आप लोग जब इसको ध्यान से देख लोगे तो आप इजीली एडिट कर पाओगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो का लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को। सो गाइस, आप सभी को जाना फिर यहाँ से ऐड फोटो एंड गाइस यहाँ से लेना आप सभी को मॉडल, ठीक है? आपके मॉडल को लेने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना है गाइस, आपका जो मॉडल होगा उसका जो साइज आप सभी को कैसे रखना है। सो गाइस, आपका जो मॉडल होगा गाइस उसका साइज आप सभी को जो पीछे जो आपको स्नेक दिख रहा है गाइस आपको उसके हेड से कनेक्ट करना है, यानी कि उसके हेड तक आपको पहुंचाना अपना अपना जो आपकी जो मॉडल का हेड होगा उसको। फिर उसके बाद वो गाइस ऑटोमेटिकली आपको कुछ इस टाइप का इतना साइज मिल जाएगा जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर गाइस इतना करने के बाद आपको रेजर टूल में जाना है, अगर आपने कुछ पकड़ के अगर फोटो क्लिक करवाया होगा तो देन उसको आपको सिंपली इस तरीके से आपको रेज कर लेना है, जिससे कि गाइस जब हम फोटो का एडिट करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो हम इसको अभी पहले ही रेज कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने भी अगर कुछ ऐसा पकड़ रखा हो तो अभी रेज कर लेना। देन गाइस आपको इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सबको जाना है दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको ब्लैक कलर का जो पीएनजी आपको गाइस सिंपली इसको लेना है एंड इसको गाइस आपको कर देना मूव बैक। एंड इतना कर देने के बाद आप सबको अभी क्या करना है, दोबारा जाना ऐड फोटो में एंड गाइस यहां से लेना आपको ये ब्लैक कलर की शीट जो कि गाइस आपको बनाने शेडो बनाने में हेल्प होगी। तो इससे आपको ये लेने के बाद आपको रेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज जो है कुछ अपने अकॉर्डिंग रखना है एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। एंड फोटो को जूम करके गाइस आप सबको कुछ स्टेप्स ऐसे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस। फिर इतना करने के बाद आपको इसको भी मूव बैक कर देना है एंड गाइस कुछ स्टेप्स आपको इसकी जो ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है? इतना करने के बाद आपसे फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को जाना है ऐसे दोबारा पहले डन कर देना है। फिर इसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से लेना आप सभी को ये स्वॉर्ड की पीएनजी, ठीक है? तो ये पहले जो है हमें आपको उस स्वॉर्ड को इरेज कर देना है, जो कवर है जो स्वॉर्ड का उसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है? तो उसको इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे फोटो को जूम करना है एंड गाइस इसको आपको अपने हैंड पे ऐसे फिक्स करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देनी है ताकि जो इरेज करने में हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे गाइस हार्डनेस फुल करना है एंड गाइस फोटो को जूम करना है एंड गाइस यहाँ से आपसे भी इरेज करना स्टार्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। ओके सो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपसे भी गाइस यहाँ से यहाँ पे डन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम डन करते हैं क्योंकि इतना तो हमारा इरेज हो गया है एंड इसकी ओपेसिटी हमें फुल कर लेना है। देन गाइस आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस आपको उसी पीएनजी को वापस से लेना है क्योंकि गाइस जो स्वॉर्ड है हमें यही वाला यूज करना है। एंड गाइस आपको इस बार क्या करना है, आपको रेजर टूल में जाके जो स्वॉर्ड का जो कवर है आपको उसको इरेज कर लेना है, ठीक है? तो आपको ऐसे इरेज कर लेना है एंड जो स्वॉर्ड है गाइस आपको उसको लेना है एंड इसको गाइस आपको क्या करना है, आपको ले जाना है कुछ इस टाइप से एंड इसको आपको रखना है अपने हैंड में फिक्स करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? एंड इसके बाद आपको गाइस ये दिखाना है कि जो आपको स्वॉर्ड है ना आप इस कवर में से निकाल रहे हो एंड इसको जो स्वॉर्ड आपको अपने हाथ में पकड़ना है जो उसका पकड़ने वाला एरिया है एंड आपको यहाँ पे रेजर टूल में जाना है, हार्डनेस फुल कर लेना है एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपली बीच वाला जो एरिया है आपको सिंपली यहाँ से इरेज कर लेना है जिससे कि ये लगेगा कि हाँ आपने जो इस वर्ड को हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सभी को गाइस इतना कर देने के बाद आपको जाना है दोबारा इरेजर टूल में। अब जो गाइस आगे का एरिया गाइस आपको सिंपली इसको इरेज कर देना है क्योंकि हमें ये दिखाना नहीं, क्योंकि हमने ये जो है हमने इस वर्ड को हाथ में पकड़ रखा है एंड हम इस कवर में से आपको अपने स्वॉर्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोबारा ऐड फोटो में जाना है। अब गाइस आपको जो स्वॉर्ड में जो निकल रही है उसमें से थोड़ी लाइटनिंग वगैरह डालनी है तो उसके लिए आपको पहले ये वाला पीएनजी लेना है, इसका आपका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप ये लाइटन भी रख सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको स्वॉर्ड को आपको इसके बीच में रखना है जिससे कि मतलब कि जो स्वॉर्ड है हमारे अंदर से निकल रही है एंड उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है? तो ये दिखाना है एंड उसके बाद जाना आपको दोबारा ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से आपको एक लेना है लाइट का पीएनजी एंड गाइस आपको जाना है ऐसे एडजस्ट वाले ऑप्शन में। एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ह्यू में जाना है एंड यहाँ पे गाइस आपको ढूंढना रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर आपको मिल जाएगा 121 तक एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड है पहले स्क्रीन करना है एंड आपको यहाँ ऐसे रखना है, ठीक है? बट गाइस पहले हमें इसको पीछे हमारे बॉडी के ऊपर कलर दिखाना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इससे पहले मूव बैक कर देना है आपको अच्छे तरीके से पूरा मूव बैक एंड ताकि जो आपके मॉडल तक रहे बस, ठीक है? फिर उसके बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, वापस से जाना ब्लेंडिंग मोड में एंड पहले तो उसका साइज इतना रखना है, ब्लेंडिंग मोड में वापस जाना आपको यहाँ पे कर देना है इसको मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है एंड सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ओवरले रखना है गाइस, ठीक है? ओवरले रखना है एंड उसके बाद आपको उसका करना है एक डुप्लीकेट, क्योंकि गाइस डुप्लीकेट इसलिए करना है क्योंकि गाइस अभी जो है आपको वो तो हमारे बैक का कलर हो गया दूसरा वाला पेंजी और ये वाला जो कलर होगा हमारे फ्रंट के लिए होगा, ठीक है? तो अब इसका आपको ब्लेंडिंग मोड करना है, यहाँ पे स्क्रीन या लाइटन आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट रन रखेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़ी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही है, बट हम इसकी ओपेसिटी कम करके एकदम अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे यहाँ पे। तो उसको हम यहाँ पे स्क्रीन रख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन में ज़्यादा ब्राइट हो रहा है तो इतना कर लेते हैं, इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो इतना कर देने के बाद आपको अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आपको जाना है दोबारा सेट फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करनी है आपको एक लाइट वाली पीएनजी, जो कि गाइस आपको इस आपके बैक के साइड में लगाना है, ठीक है, बैक साइड में। तो हम लेते हैं उस पीएनजी को, एंड यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अब गाइस यहाँ पे आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको यहाँ पे करना है स्क्रीन। एंड स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको साइज को बड़ा करें कुछ स्टेप्स, आपको यहाँ पे ऐसे ऐड करना है जैसे गाइस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इतना कर देते हैं, एंड इतना कर देने के बाद यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको इसको कर लेना सेव, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, हाईलाइट जो होगा गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड जो शेडो होगा आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट होगा गाइस इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर जो ब्लैक होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। जाना आपको कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, आप डार्क ब्लू रखो या स्काई ब्लू आपकी मर्जी है। इतना करने के बाद आपको जाना येलो कलर में इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड कर देना है डन। फिर गाइस आपको जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, फोटो में विग्नेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग जितना आप डालना चाहो। देन गाइस आपको ग्रेन माउंट बढ़ा देना थोड़ा, एंड जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, एंड जो नोड रोडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रोडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।